दोस्तों यूरोप शैंगन जो लोग जाना चाहते थे या जो लोग क्रोशिया जाना चाहते थे, तो सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आप सबको पता ही होगा कि क्रोशिया जो कि शैंगन के अंदर आ गया है और यूरो भी वहाँ पे 1 जनवरी से चल जाएगा और 1 जनवरी से शैंगन भी अपना जो सिस्टम है वो अपना लेंगे, और जिससे क्रोशिया के जो बॉर्डर हैं जो शैंगन के साथ लगते थे सब बॉर्डर लेस हो जाएंगे। और हमारे लोगों के लिए भी सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यही है, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं चाहे एज ए वर्क परमिट पे चाहे वो एज ए टूरिस्ट पे, तो दोस्तों वो अपना एक को शैंगन जो लोग एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो वो यह जाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों अब उनको एक कंट्री और घूमने के लिए मिल जाएगी, क्रोशिया। तो दोस्तों जो लोग न्यू भी जाना चाहते हैं, अगर वो टूरिस्ट वीजे पे जाना चाहते हैं, अगर ये शानगन के अंदर जाना चाहते हैं, तो वो दोस्तों आज की डेट में उनके लिए बड़ा बहुत बड़ा बेनिफिट यही है कि वो क्रोशिया के अंदर अप्लाई कर लें, क्योंकि क्रोशिया दोस्तों आपको पता ही है अभी इतना ज़्यादा सख्त नहीं है, तो एज ए टूरिस्ट वीज़ा आप वहाँ से निकाल के आप यूरोप की और कंट्रियों में भी ट्रैवल कर सकते हो, चाहे आप स्पेन जा सकते हो चाहे आप पुर्तगाल, जो भी लोग हमारे जाते हैं किसी भी तरह से उनका चाहे पर्पस पेपरों का है चाहे किसी भी तरह का है, तो आज की डेट में आसानी से दोस्तों वो यहाँ से वीज़ा लेके एज ए टूरिस्ट वीज़ा शैंगन के अंदर कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो क्रिसमस का और न्यू ईयर का ट्रैवल प्लान हम आपको बता ही रहे थे, लेकिन आज की डेट में वो तब तो वो टाइम निकल चुका है, क्योंकि क्रिसमस के लिए अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है और न्यू ईयर के लिए। तो अब दोस्तों आप ट्रैवल प्लान वगैरह अगले साल अपना ट्रैवल करना चाहते हैं, यूरोप के अंदर जाना चाहते हैं शैंगन में, तो दोस्तों आप मार्च का यानी कि 2023 के अंदर मार्च या अप्रैल का दोस्तों अभी से आप अपनी तैयारी कर लें, और आपकी अगर आप जाना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप एजेंटों को लाखों रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम खर्चे के अंदर दोस्तों हम आपको बता देंगे आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए। तो काफ़ी लोगों का मकसद होता है दोस्तों, चाहे वो वर्क परमिट पे जाते हैं क्रोशिया के अंदर, तो उनका मकसद है आगे जाना। तो दोस्तों आपको पता ही वर्क परमिट के ऊपर तो 5-6 महीने लग रहे हैं, लेकिन अगर आपने जाना ही है तो चाहे आप एज ए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके देख लो, तो वो भी आपको मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट रेडी हैं ठीक है, नहीं है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको गाइड कर देंगे कैसे डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं और आप अपनी फाइल लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के लिए दोस्तों, चाहे किसी भी कंट्री में यूरोप का शंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमसे गाइड ले सकते हो। दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना हमने नंबर दे रखा है, तो अब दोस्तों आप रेडी यानी कि अपनी फाइल रेडी कर लो, जिन लोगों के पास फाइल है जिनके पास नहीं है तो वो भी कोई बात नहीं। तो दोस्तों अब यानी कि अगले साल 2023 मार्च अप्रैल की आपकी ट्रैवल प्लान अपना बना लें, और दोस्तों अभी से जनवरी के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट है, अभी से अपनी अपॉइंटमेंट ले लें जनवरी की, और दोस्तों अपनी जनवरी के अंदर फाइल सबमिट करा दें और फरवरी के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा और मार्च के अंदर दोस्तों अपना ट्रैवल अपना कर लें आप। ठीक है दोस्तों, बाकी किसी भी तरह की आपको दोस्तों किसी भी तरह की आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे दोस्तों अपना मैसेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आपको न्यू न्यू वीडियो के अंदर मिलते रहेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक दोस्तों।